आप जरूर राशिद पूछ ले फिर आप। और मेरा आपसे एक सवाल ये है, आप जाहिर है प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं, कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन करके कहा और मैंने कल ही देखा ये, तो उसके अंदर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। एक दो लोगों का और नाम भी है, क्या सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। गूगल से पूछा, हमारे आपके गूगल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक मिनट राहुल गांधी स्टूपिड है, एक मिनट राहुल गांधी स्टूपिड है। आप किसके लिए कह रहे हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। स्मृति बोले इससे पहले, हाँ आपके बगल में जो बैठे हैं इनको माइक्रोफोन उनको दे दीजिए। क्या आप वहीं वहीं बैठे बैठे राजा जी? हाँ एक मिनट मैं दिखाऊंगा आप राशिद, आप इसे राशिद अलवी साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ रजत जी देखिए सबके हाँ। पास में आज तो मोबाइल फोन है, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ऐसा गूगल पर कहीं नहीं है। रजत जी आप इसे उनको अपनी बात कहने कहा, क्या कोई बात नहीं, एक एक कर मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी करके देख लीजिए आप। अरे हमने करके देख लिया सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट इनको फोन इनको माइक दे दीजिए, वहाँ माइक आपके पास माइक आ जा दीजिए। देखिए एक मिनट गूगल देखिए इसके इस पर विवाद ना हो। गूगल में मैं राशिद अलवी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे काबिल दोस्त सबको वापस लेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ऐसे ही शख्स और ऐसे ही ज़हनियत के लोग कर सकते हैं जिनके दिलों में इस बात का मलाल है कि जिनकी अपनी हुक्मरानी चली गई, जिनको लगता है कि हुक्मरानी इनकी विरासत है, इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहिए इन लोगों से, देखिए अलग 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 लोगों के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आप उनको दिखाइए, आइए आइए मुझे लगता है रजत जी एक चीज स्मृति आप लोग अगर शांत हो जाएंगे, स्मृति कुछ कहना चाहती है इस बारे में जी। देखिए आज जाकी रही भारत गूगल के पीछे एक चीज सत्य में समझना पड़ेगा, कोई भी चीज हम सर्च करने जाते हैं उसमें एक चीज समझनी चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। आप जैसा शब्द डालेंगे गूगल में वो उसी तरह का सर्च आपको करके देता है। वो एक एल्गोरिथम है राशिद साहब, इट्स एन एल्गोरिथम, इट ऑलवेज फॉलोज द पैटर्न ऑफ योर सर्च, सो इट इज नॉट अ गॉस्पल, इट इज अ पैटर्न। सो उसके ऊपर उसको नहीं उसको 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 वो एक एल्गोरिथम है और उसको उस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और उससे जो है नहीं नहीं पर वो नहीं 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 आपको इट्स नॉट अ गॉस्पल, इट इज नॉट अ गॉस्पल, इट्स एन एल्गोरिथम। आप प्रसून मुझे लगता है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, उन्होंने अपनी बात को परिपूर्ण होना चाहिए जी। हाँ ऐसा है कि आज प्लीज मेरा सबसे अनुरोध है अगर मैं जवाब दे दूं, आप एक मिनट अब आप मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि मैं जवाब दे दूं। ऐसा है कि आज सार्वजनिक तौर पर दो प्रकार के प्रमाण आपको मिले, एक कि जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी को पत्थर मारेगा
जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी पे थूकेगा वो आज कांग्रेस का लाडला हो जाएगा, इस बात का ये प्रमाण है। दूसरा नरेंद्र मोदी के प्रति जो विष है वो कहीं ना कहीं मर्यादाएं इतना लांघता है कि लोग भूल जाते हैं कि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तो राशिद भाई एक महिला मंत्री को क्या कहते हैं अपने इस प्रश्न में? सुना जाता है कि आप मोदी जी के बड़े करीब हैं। इस विष के साथ हर दिन जीना पड़ता है। और फिर रजत जी आप कहते हैं स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है? आज इस सभागार में जितने लोग नाराज हुए वो शायद सबके सब भाजपा ना समर्थक हैं, ना सबके सब भाजपा वोटर हैं, ना कोई यहाँ पर सबके सब मोदी फैंस हैं, लेकिन उनका आक्रोश इस बात पर था कि जब आप लांछन लगाते हैं प्रधानमंत्री के पद पर तब आप भूल जाते हैं कि ये पद किसी पार्टी का नहीं राष्ट्र का है। तो राशिद भाई से मैं इसलिए नाराज नहीं होती क्योंकि जब मुझे ऑफिस में मिलते हैं तो उनके सुर बदले हुए होते हैं। इतना ही कहूंगी राशिद भाई, आप उम्र में ओहदे में मुझसे बहुत बड़े हैं। नेता के नाते तो आपसे विषयों पर मैं तर्क कर सकती हूँ, लेकिन छोटों के सामने संस्कार का जो प्रमाण आपको प्रस्तुत करना चाहिए था आज आपने उसमें अपने आप को मात दे दी। आपके इन शब्दों से ना मोदी आहत होंगे ना उनके समर्थक, लेकिन हाँ जनता के सामने आपकी जो एक इज्जत थी उसमें शायद आज इजाफा नहीं हुआ है।